हॉस्पिटल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो प्रॉपर डॉक्टर भी करता है बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू। आप कैसे फिर कर जिले में चल रहे निजी अस्पतालों में नियमों की अनदेखी का मामला उस वक्त खुलकर सामने आ गया जब उपायुक्त के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने नगर के प्रतिष्ठित माने जाने वाले अस्पताल सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट रिसर्च सेंटर पहुंच अपनी जांच पड़ताल आरंभ की तो वहां नर्सिंग होम्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सभी नियमों की धज्जियां साफ उड़ती हुई नजर आई। चास अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम अस्पताल की जांच करने पहुंची थी। टीम ने सबसे पहले अस्पताल में चल रहे अल्ट्रासाउंड विभाग की जांच कर उसे सील कर दिया। सूत्रों की माने तो अस्पताल परिसर से कई एक्सपायरी दवाइयां भी जब्त की गई हैं। वहीं अस्पताल के दो मुख्य कर्मी से टीम पूछताछ कर रही है जिससे और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले में एक बड़ा रैकेट स्वास्थ्य सेवा के नाम पर अपना गोरख धंधा चला रखा था। इसी गुप्त सूचना के आधार पर उपायुक्त द्वारा गठित विशेष टीम ने यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की है जहां मानव जीवन के खिलवाड़ का खेल खेला जा रहा था। उपायुक्त महोदया जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है किसी पीएनडीटी के तहत उनके द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया है और उसी जांच टीम के साथ सिटी के हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूँ। निरीक्षण के दौरान कुछ आधार ऐसे मिले हैं जिसके बारे में विवरण बाद में बताया जा सकता है जांच पूरी होने के बाद, जिससे कि यह डाउट होता है कि पीएनडीटी और दूसरे अन्य विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसका अनुपालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा सर। यहाँ सहयोग भी मिली है चिकित्सक हैं वो भी एक ऐसा नेक्सस प्रतीत होता है बट जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना संभव। क्या नेक्सस लग रहा है जैसे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राउंड लेवल पे भी इनके नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे अगर ऐसा अवैधानिक चीज़ कुछ मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाए तो वो उनका नेटवर्क एक वो यहाँ पे लेकर के पेशेंट को आते हैं और उसके बाद अभी जांच मगर तभी जिन्हें बता आप लोग एड्रेटर पर कोई कॉल भी किए इसमें क्या आया? जैसे कि अगर पिछले एक साल का रिकॉर्ड निकाला गया है और अगर एक साल पहले जो पेशेंट ने यहाँ पे जो भी सर्विसेज ली होंगी बेबी केयर के लिए तो उस बेबी की सलामती की एक तरह से जांच ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम उस पेशेंट तक पहुँचेंगे जिसकी बेबी की जांच के लिए यहाँ पे आया था वह बेबी सही सलामत। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जब तक तथ्य और प्रस्थिति स्पष्ट नहीं होता है अभी क्या है कि सस्पिशन है रीजनेबल बेस है सस्पिशन के लिए लेकिन जब तक तथ्य सामने नहीं आता है क्लियरली तो किस विधि के तहत कार्रवाई करना है ये भी अभी बता पाना संभव नहीं। अल्ट्रासाउंड रूम को फील करेंगे अभी इसमें ही चूँकि आधार है और सबूत है तो अभी हम दूसरे परीक्षण के लिए जाएंगे तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो इसके लिए सील किया जाता ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो।